हेलो फ्रेंड्स, मैं इस्माइल खान। आज के इस वीडियो में हम एलजी डबल डोर रेफ्रिजरेटर की एक छोटी सी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये इसका फ्रीज़र कंपार्टमेंट है और यहाँ पर काफ़ी आइस है। हालांकि ये फ्रिज अभी ऑफ पोजीशन में है क्योंकि डिफ्रॉस्ट मोड में है, पर नीचे की तरफ कूलिंग बहुत ज़्यादा कम है। इसे मैंने पहले भी चेक किया था और चेक करके ये देखा था कि इसके फ्रीज़र कंपार्टमेंट में बहुत ज़्यादा आइस रहती थी। हालांकि इस वक्त कम है, फिर भी काफ़ी आइस है। आप ये देखें कि इसके जो सामान यहाँ रखे हुए हैं उस पर आइस है, इसकी ट्रे पर भी आइस है और ये जो डब्बा इसके ऊपर रखा हुआ वो इसके साथ बिल्कुल चिपका हुआ है। जबकि फ्रॉस्ट फ्री रेफ्रिजरेटर में इस तरह की आइस नहीं होनी चाहिए। हालांकि इसके अंदर आइस नहीं दिखाई दे रही है, पर फिर भी इसमें जो प्रॉब्लम है उसको अभी मैं आपको बताता हूं। पर इस तरह की जो प्रॉब्लम है डबल डोर रेफ्रिजरेटर में वो क्यों आती है, इसको आज हम लोग समझेंगे। सबसे पहले इसके जो शेल्व्स हैं उसको निकाल लेते हैं। बैक कवर को निकालने के लिए इसका स्क्रू रिमूव करना होता है और स्क्रू का कवर हमने रिमूव कर लिया है। स्क्रू के कवर को रिमूव करके स्क्रू को निकाल लेते हैं। बैक कवर को स्मूथली आगे की तरफ खींचते हैं जिससे ये बाहर आ जाता है। आप देख रहे हैं ये फ्रिज अभी ऑन पोजीशन में है लेकिन इसका कूलिंग फैन नहीं चल रहा क्योंकि फ्रिज डिफ्रॉस्ट मोड में है जिससे कंप्रेशर और कूलिंग फैन दोनों ऑफ है। डिफ्रॉस्ट मोड के बावजूद इसके इवेपोरेटर कॉयल पर अभी भी काफ़ी आइस है, जबकि ये आइस मेल्ट हो जानी चाहिए थी। इस फ्रिज की प्रॉब्लम यही है कि इसकी आइस पूरी तरह से मेल्ट नहीं हो पा रही और जब फिर से ये कूलिंग मोड में आती है तो इस पर बहुत जल्दी आइस आ जाती है, जिससे ऊपर के कंपार्टमेंट यानी फ्रीज़र के कंपार्टमेंट में तो आइस बहुत ज़्यादा होती है पर नीचे हवा का सर्कुलेशन नहीं हो पाता। जब इसका इवेपोरेटर कॉयल आइस से भर जाता है तो उसकी वजह से हवा का सर्कुलेशन रुक जाता है जिससे नीचे के कंपार्टमेंट में कूलिंग नहीं होती, और ये प्रॉब्लम की वजह ये इसका बाईमेटल है जिसे हम चेंज करेंगे। दोस्तों, किसी भी डबल डोर रेफ्रिजरेटर पर लगा हुआ बाईमेटल -5 डिग्री सेंटीग्रेड पर ऑन हो जाता है जिससे टाइमर के 2 नंबर से आने वाला फेस इसके डिफ्रॉस्ट हीटर को जाता है और ये तब तक सप्लाई रहती है जब तक कि यहाँ का टेम्परेचर +10 डिग्री सेंटीग्रेड ना हो जाए। इस रेफ्रिजरेटर के डिफ्रॉस्ट हीटर को भी चेक करते हैं। इसके लिए हम मल्टीमीटर के जो दोनों प्राड हैं वो इस डिफ्रॉस्ट हीटर के दोनों टर्मिनल पर कनेक्ट करते हैं और हमारा मल्टीमीटर इस वक्त रेजिस्टेंस शो कर रहा है। इसका मतलब हीटर बिल्कुल प्रॉपरली काम कर रहा, पर खराबी इस बाईमेटल में है। इस बायोमेटल में एक एनटीसी डिस्क होती है जो -5 डिग्री सेंटीग्रेड पर सर्किट को ऑन कर देती है जिससे डिफ्रॉस्ट टाइमर के 2 नंबर से आने वाला फेस डिफ्रॉस्ट हीटर को जाता है और जब +10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होता है तब ये सर्किट को ऑफ कर देता है। पर यहाँ इस बायोमेटल में प्रॉब्लम ये है कि ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास ही सर्किट को ब्रेक कर दे रहा है जिससे डिफ्रॉस्ट हीटर के सीरीज से आने वाला न्यूट्रल डिफ्रॉस्ट टाइमर को पहुंच जाता है और उसकी मोटर ऑन हो जाती है और ये फ्रिज वक्त से पहले ही कूलिंग मोड में आ जाती है जिससे इवेपोरेटर कॉयल पर आइस पूरी तरह से मेल्ट नहीं हो पाती और कूलिंग मोड में आने पर दोबारा जल्दी से इसमें आइस आ जाती है और आइस इसमें इस तरह से जमने लगती है जिससे कि हवा का सर्कुलेशन रुक जाता है, जिस वजह से फ्रीज़र में तो बहुत ज़्यादा आइस होती है पर नीचे के कंपार्टमेंट में बिल्कुल भी कूलिंग नहीं होती, कुछ देर तक रहती है फिर ख़त्म हो जाती है। उम्मीद है ये प्रॉब्लम आपको समझ में आई होगी। इस तरह की जब भी प्रॉब्लम हो तो बाईमेटल की ही प्रॉब्लम को समझें और बाईमेटल को चेंज कर देना चाहिए। बाईमेटल को चेंज करने के बाद इसके बैक कवर को हम प्रॉपरली अपनी जगह फिट कर देंगे और स्क्रू को भी टाइट कर देंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक कीजिएगा। चैनल अभी तक सब्सक्राइब ना किए हो तो ज़रूर कर लीजिए और ऑल नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर लीजिए जिससे इस तरह की आने वाली मेरी सभी नॉलेजेबल वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।